हमारे विद्यालय के दिनों में हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे। वो कहते थे कि वार्तालापः वर्जते। कहने का मतलब ये है कि बातचीत बिल्कुल सख्ती से मना की गई है और आप बातचीत कक्षा में नहीं कर सकते हैं जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये बात इसीलिए आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारा समय ये इतना अनुकूल है कि आप घर पे बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि आपको समय कैसे बितानी है, जबकि ये समय आपको किसी भी तरीके से काटने को नहीं कहा गया है। ये समय हमें इसलिए दी गई है कि हम इस बीच क्या अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। परसों मुझे कुछ परिजनों ने कॉल करके बताया कि बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई से तकलीफ़ हो रही है। और दरअसल लॉकडाउन के कारण और क्वारंटाइन होने के कारण हम लोग सभी घर में हैं, अपने अपने घर में हैं, और बच्चे अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ, उनको उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस जरिए, यूट्यूब के ज़रिए मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ, उनसे बातें करूँ और उनको समझाऊँ कि ये समय सदुपयोग करने का है, दुरुपयोग करने का नहीं करना है, हमें इसका सदुपयोग करना है। इसीलिए कल मैंने वापस से इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने स्टार्ट किया था कि हमारी जो आगे की पढ़ाई है क्लास 12th की, मैं उसको स्टार्ट करूं और उसको उसी रफ्तार से आगे बढ़ाऊं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि ये समय बहुत ही अनुकूल है। अभी इस महीने से आपकी जो नए सेशन की जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि समय को ज़ाया ना किया जाए और आपके लिए मैं हर रोज़ एक नया पाठ लेके आऊँ, एक अध्ययन कराऊँ, आपको आपके साथ अध्ययन करूँ और आपको भी अध्ययन करने का मौका दूँ। इसी के साथ कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट और उनकी जो कमीशंस पेएबल हैं उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए और कौन कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हमारे सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ये किसी एक पार्टनर का, जो भी पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो सेपरेटली प्रिपेयर इसीलिए की जाती है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन फर्म के लिए अलग अलग होता है, चाहे वो कैपिटल को लेकर के हो या चाहे वो उनकी इंटरेस्ट उन कैपिटल की बात हो या उनकी सैलरी की बात हो या कमीशन की बात हो, इसीलिए उनका अलग अलग कैपिटल अकाउंट का प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। बैलेंस शीट में हम लोग अलग अलग पार्टनर्स का जो कैपिटल स्टैंडिंग अमाउंट है हम लोग उसको अलग अलग दिखाते हैं, सेपरेटली दिखाते हैं, लेकिन सेपरेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिखाने के साथ साथ हमें हमारे मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे और उनकी जो ड्राइंग्स हैं उनको कहाँ डिपिक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फर्स्ट आपका जो मेथड है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, जहां पर आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स की करंट अकाउंट। क्यों? पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये बोलता है कि पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है, पार्टनर चाहे 10 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करके रखें कंटिन्यू करें या 12 साल के लिए करें, 20 साल के लिए करें, अनंतकाल के लिए करें, उसको अपनी कैपिटल को चेंज नहीं होने देनी है जब तक कि तब तक वो अपने कैपिटल अकाउंट से या तो कुछ राशि वो विड्रॉ ना करे या कुछ कैपिटल में वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे, तब तक उसका कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और उनके कैपिटल के अगेंस्ट में उनकी जो ड्राइंग्स है उस पर जो इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज किया जाता है वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं और करेंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं, और करेंट अकाउंट में ही हमें ये सारी एडजस्टमेंट दिखानी है जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, इन सभी चीज़ों को दिखानी है। साथ ही साथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है कि फ्लक्चुएटिंग देख सकते हैं आप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है कि आपको कैपिटल अकाउंट, चाहे बीच में आप ड्राइंग्स कर रहे हो, एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो, सैलरी आप कमा रहे हो या कमीशन रिसीव कर रहे हो, इन सारी केसेस में आपकी कैपिटल जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगी।
क्योंकि नाम ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और आपकी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से फ्लक्चुएट होने वाली नहीं है, बल्कि ये सैलरी से भी अफेक्टेड होगी। आपके ईयर के एंड में जो आपका सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को अफेक्ट करेगा। अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके ऊपर में चार्ज की गई है तो आपकी कैपिटल की जो वैल्यू है वो घटेगी भी। इसीलिए हमारे पास में दो मेथड है और ये दो मेथड में जो बेसिक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक एक करके और आप देखेंगे। सबसे पहले जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट चूँकि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट किसी भी पार्टनर का वो क्या है कि उसकी जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो होती है कैपिटल अकाउंट। कहीं भी आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट आपके लिए क्रेडिट बैलेंस हमेशा होता है और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में होता है। या यूँ कहूँ तो पार्टनर्स के लिए जो वो उन्होंने अमाउंट कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया फर्म के तरफ, तो उस फर्म के लिए वो एक तरह का लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है और इस क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ओपनिंग बैलेंस होगी वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसीलिए हमारा कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट साइड में। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर करना होता है और कैपिटल अकाउंट में आप जैसा कि मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में बताया कि कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की वजह से ही वो फ्लक्चुएट हो सकती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए मैंने कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि ये आपके लिए फर्म के लिए लायबिलिटी है और फर्म अगर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रही है तो वो अपने लायबिलिटी को क्रेडिट साइड मतलब कि क्रेडिट बैलेंस होने के कारण वो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएगी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साथ ही साथ अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल के तरफ अगर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लगाया है इंट्रोड्यूस किया है तो उस केस में आपका जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज करने वाला है। उसके लिए उसके बाद आपने अगर पार्टनर्स अगर अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो वो आप दिखाते हैं डेबिट साइड में क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करता है, तो आप दिखा रहे हैं टू बैंक से या आपके अमाउंट को विड्रॉ करता हुआ दिखाया जा रहा है। साथ में एट लास्ट आपके पास में जो बैलेंस बचता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो आपको दिखाया जाएगा कि फर्म के ऊपर में कितनी लायबिलिटी उस पार्टनर के कैपिटल के टुवर्ड्स कैपिटल वो आपकी दिखाई जा रही है जो कि आपको ईयर के एंड में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के हेड में दिखाना होगा। ये आपको अलग अलग चाहें तो आप पार्टनर जितने भी पार्टनर से दो या तीन या चार जितने भी पार्टनर से आप अलग अलग उनका कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं या नहीं तो आप एक जगह पे एक साथ में आप एक्यूमुलेटेड आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं जिसमें आसानी होती है लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस ना होने के कारण कॉपी में वो कंजेस्टेड भी दिखता है। बेटर होगा आप अलग अलग प्रिपेयर करें ताकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा बीच बीच में और समय का आप जो है पूरा स्पेस भी आप ले सकते हैं इसके साथ साथ। सेकेंडली करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करनी है। फिक्स्ड कैपिटल आपने कैपिटल अकाउंट में देखा कि कैपिटल अकाउंट में बस वो फ्लक्चुएट हो सकती है या तो आपने कुछ ड्राइंग्स करा होगा या उसमें आपने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी, लेकिन अंडर करंट अकाउंट आपको करना क्या है कि इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होगी अगर दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। कभी कभी ये नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है और ये नेगेटिव बैलेंस होगा तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके। और करंट अकाउंट में आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है लाइक सैलरी की बात हो, कमीशन की बात हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं करंट अकाउंट के हेड में। तो करंट अकाउंट में आपको दिखाना क्या, सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लास्ट में इंटरेस्ट बाय कमीशन, मतलब अगर पार्टनर को किसी भी तरीके से कमीशन दी जा रही है। और एक चीज़ कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो आप वहाँ पर सैलरी भी दिखा सकते हैं बाय सैलरी। उसके बाद ड्राइंग्स, सबसे पहले तो आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जब आपके पास में आता था तो आप ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को आपने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है विड्रॉ किया अमाउंट, तो वो ड्राइंग्स जो आपके करंट अकाउंट में डिपिक्ट की जाएगी टू बैंक करके, ये आपकी ड्राइंग्स है। और अगर उस पर इंटरेस्ट पेएबल है, पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो आपको करंट अकाउंट में दिखाना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये आपका जो इंटरेस्ट है ये आपके आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में दिखाया था, इसलिए आपने पार्टनर के करंट अकाउंट में उसको डेबिट साइड में दिखाया। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर के लिए लॉस है। लास्टली आपके पास में करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट बैलेंस बचता है, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और वो डेबिट बैलेंस भी कभी कभी रह सकता है। तो अगर आपके पास में क्रेडिट बैलेंस है तो आपके पास में पॉजिटिव बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो वो आपके लिए डेबिट बैलेंस हो जाएगी। यहाँ तक आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्लियर हो जाती है, आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं सेपरेटली
कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग, क्यों? क्योंकि आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहता है कि आपकी कैपिटल अनटिल और अनलेस आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है या आपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तब तक ये फ्लक्चुएट नहीं हो सकती है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और बाकी जो आपकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप करंट अकाउंट में दिखाएंगे। करंट अकाउंट के हेड के अंदर में आपने सैलरी दिखाया, आपने कमीशन दिया और पार्टनर्स के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट भी पे किया है। उसी के बाद उसने अगर ड्राइंग्स किया है आउट ऑफ प्रॉफिट तो वो आपका ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। उस पर इंटरेस्ट जो पार्टनर पे कर रहा है उसके ऊपर में चार्ज की गई है, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपकी कैपिटल अकाउंट तब भी फ्लक्चुएट करेगी जब आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया था या आपने एडिशनल कैपिटल लगाया था। साथ ही साथ अगर आपने सैलरी रिसीव किया है या आपने कमीशन रिसीव किया है या आपके ड्राइंग्स पे आपके ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके कैपिटल अकाउंट में एक सिंगल कैपिटल अकाउंट के अंदर में आप इसको सारी चीज़ें सारी एडजस्टमेंट को आप दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करनी है, कोई अलग से आपको करंट और कैपिटल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर में आपकी ओपनिंग बैलेंस आएगी, उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था आपको मिला था पार्टनर को, जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपने क्रेडिट किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सैलरी जो भी पार्टनर्स को मिल रही है वो सैलरी भी आपने दिया और कमीशन भी आपने उनको क्रेडिट किया है। साथ ही साथ ड्राइंग्स दो तरह की थी, मैंने पहले बताया था आपको कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो आपके करंट अकाउंट में जाएगी। लेकिन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो भी वो आप डेबिट करेंगे एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर में, और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो भी आप उसको डेबिट ही करने वाले हैं और एक ही जगह पर आपने दोनों ड्राइंग्स को अलग अलग दिखाया है। अगर दोनों केस एक जगह दिया हुआ है साइमल्टेनियसली तो सही है, नहीं दिया हुआ है तो आप किसी एक को दिखाएंगे, या तो आउट ऑफ कैपिटल दिखाएंगे ड्राइंग्स या आउट ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे। और अगर आपने आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपने फर्म से आउट ऑफ प्रॉफिट अगर ड्राइंग्स किया है तो पार्टनर इज लियेबल टू पे इंटरेस्ट देयर आफ्टर ऑन द ड्राइंग्स विच इट हैज़ मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड इट इज़ नॉट द ड्राइंग्स विच इट हैज ऑलरेडी मेड आउट ऑफ इट्स कैपिटल। इसलिए अगर इसने फर्म से लिया है, फर्म के प्रॉफिट से इसने ड्राइंग्स किया है तो ये लियेबल है कि इसको इंटरेस्ट पे करनी होगी और इसीलिए इसके कैपिटल अकाउंट में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया है। लास्टली अगर आपके पास में फेवरेबल बैलेंस है तो आप उसको क्रेडिट बैलेंस करेंगे, और आपके पास में अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, अगर निगेटिव बैलेंस हुआ तो आप उसको डेबिट बैलेंस दिखा सकते हैं। इसीलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में आपने सारी एडजस्टमेंट एक जगह कर रखी है, लेकिन आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में आपने दो अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, अगेन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और साथ ही साथ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को आपने रिकॉर्ड किया था। अंडर करंट अकाउंट आपने क्या रिकॉर्ड किया था? आपकी ओपनिंग बैलेंस। अगर करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दी गई है तो, नहीं दी है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट लाइक कि आपकी सैलरी ऑफ दी पार्टनर्स, कमीशन ऑफ दी पार्टनर या पार्टनर्स के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट, जो भी पेएबल था वो हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की थी, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वो भी हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की थी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनानी है और वो आपके सामने है, और जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट किया जाएगा आप उसी डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन क्लियरली कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बोल रहा है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से बोल रहा है। उससे पहले आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात है या पार्टनर्स कमीशन की बात है, पार्टनर सैलरी की बात है। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करने नहीं जानेंगे तो आगे चल के जो हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स एडजस्टमेंट या फिर गारंटी ऑफ द प्रॉफिट, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जहां पर थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसिया की जरूरत होती है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यही होगा कि कैपिटल अकाउंट को कैसे हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को लेकर के स्पेसिफिकली मैं आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रिपेयर करके आपको अपलोड कर दूंगा, तो क्या ताकि आपको क्वेश्चन समझ में बेटर तरीके से आए। और आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प ले सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन की, या फिर आप YouTube पे उसका
और भी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले सिर्फ एक वीडियो देख करके आप कुछ अटैम्प्ट करने वाले हैं नहीं, आपको सिर्फ वीडियो देखने से आप जो है महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं किताब की मदद लेनी होगी और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी होगी। जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ रहा है मैं डेली एक नया नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ और ये सीरीज हमारा लगातार चलता रहेगा, तो बेटर होगा कि आप भी घर पे बैठे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल पूरी तरीके से, ताकि आप भूले नहीं। इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे ही बेस्ड था, और आगे की जो हमारी वीडियोस होगी वो होगी पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ द प्रॉफिट को लेकर के। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, आगे जो भी गलती आप करते हैं किसी भी तरह की, अगर आप मिस्टेक करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको आपने गलत रेट से प्रोवाइड कर दिया, या आप उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल वो ऑमिट हो जाता है, या पार्टनर की जो कमीशन है वो आपने उनको क्रेडिट करना आपने छोड़ दिया, तो इन सारी गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं, तो इन सारी गलतियों को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, वो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था, धन्यवाद, और अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे बैठ करके लूडो खेलें, चेस खेलें, बेटर होगा दोस्ती आप बुक से करें, बुक से जो प्रेम होता है दोस्ती होता है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके शिक्षक अगर आपके घर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से उस समय का दुरुपयोग करें, शिक्षक ना हो तो आप अपनी जिम्मेवारी समझ के किताब से दोस्ती करें और किताब के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। ठीक है, आज का वीडियो हमारा इतना ही था, आगे की वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद।